पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और पश्चिमांचल राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन ने उच्च अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बुलंदशहर के डीवाई एक्सियन सहित अन्य अधिकारियों पर संगीन आरोप लगाए हैं। दरअसल एक्सियन ने पक्षपात करते हुए विद्युत विभाग के 30 अधिकारियों पर गबन का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। जेई संगठन के आंचल अध्यक्ष और आरसी द्विवेदी के नेतृत्व में भीमपुर स्थित 132 केवी उपकेंद्र पर धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के पूरे साक्ष्य उपलब्ध थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा हमें फंसाया गया। आज हम जो कल 8/9/2020 को अधिशासी अभियंता श्री देवेंद्र कुमार द्वारा अभियंता PG2 और कार्य सहायक के खिलाफ जो एक तरफा FIR की गई है गबन के मामले में, उसके विरोध में हम आज यहाँ खड़े हुए हैं। क्योंकि उनका ये आरोप लगाना कि इन्होंने पैसा गबन किया है, ये निराधार है। प्रत्येक जूनियर ने PG2 ने पैसा विभाग को जमा किया है, विधिवत उन पर एक रसीद है। हालांकि इस विभाग में प्रक्रिया चल रही थी कच्ची रसीद की और पक्की रसीद की, तो कच्ची रसीद इनके पास है और उसके बदले में पक्की रसीदें मिलती थी इनको, मतलब परंतु उसका स्थान विनीत शर्मा का स्थानांतरण हो जाने के बाद पक्की रसीद मिलना बंद हो गया, परंतु फिर भी लोगों ने पैसा जमा किया है और पैसा विभाग में जमा हुआ है। देखिए, इसमें ऐसा है कि 2016 में एक डिवीजन में गबन का प्रकरण आया जिसकी जांच UPPCL विजिलेंस को दी गई और मिस्टर नीरज कुमार शर्मा जो इसके जांच अधिकारी रहे उन्होंने जो है सतकर्ता आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और वहीं से रिकमेंडेशन आई कि जो है जो यहाँ पर डिवीजन में कैश कलेक्शन का कार्य करते थे PG2 कुछ क्लर्क और JEE, उन्होंने पैसा जमा करने में अनियमितता की। इसके लिए MD साहब के थ्रू चीफ साहब कर और चीफ साहब से SC साहब को थ्रू होते हुए डिवीजन में आदेश आया कि लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज करके सूचित किया जाए तत्काल, तो उन्हीं निर्देशों का यहाँ पालन किया गया है। और बाकी जो JEE संगठन का ये कहना है कि उनको सुना नहीं गया है, ये मेरी जानकारी में नहीं है और आज उनकी क्या वार्ता हुई मेरी जानकारी में नहीं है। अगर वो मेरे सामने प्रेजेंट होकर अपना कोई पक्ष रखते हैं तो जरूर सुना जाएगा।